अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जाने वाली T20 मैचों की श्रृंखला 4 नवंबर से शुरू होने वाली है। जैसा कि आपको बता दें कि इस सीरीज का पहला मैच यानी कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इस T20 सीरीज से आराम दे दिया गया है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई है। दोस्तों, वहीं बात करें अगर शिखर धवन की, तो वे वेस्टइंडीज वनडे श्रृंखला में बुरी तरह से फ्लॉप रहे और अब भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन को T20 मैच से भी बाहर बैठना पड़ सकता है। शिखर धवन इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। माना जा रहा है कि शिखर धवन की जगह लोकेश राहुल को टीम में जगह मिल सकती है। कल के मैच में हमें रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें अगर इस वनडे श्रृंखला में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले खलील अहमद की, तो उन्हें T20 में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है, जबकि इस बार कुणाल पांड्या को बतौर ऑलराउंडर के रूप में टीम में खिलाया जा सकता है। दोस्तों, भारत की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से अब सामने आ रही है T20 मुकाबले के लिए। जो पहला नाम निकल के आता है वो है रोहित शर्मा का, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांड्या, ऋषभ पंत, कुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और खलील अहमद। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।